ये कुफरी का नजारा है, ये देखिए सुबह सुबह का वक्त है, आसमान पर बादल छाए हुए हैं और रक्षे वाले अपनी ड्यूटी पे पहुंच चुके हैं और शॉट जो है वो इस वक्त सब बंद है, सब है वो आगे एक दूर वाली शॉप की, तो ये से आगे एक सुबह ये है जी हमारा छत पे हो गई है। जी अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर खरीद से बनाए। कुफरी का नजारा जो है वो आपको हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, ये वादी सुन की सड़कों का हाल देखें, ये जा रहे हैं और ये जंप खड़े, ये मैं जा रहा हूँ जी कुफरी खाड़े वाले खूस वाली साइड से देव श्री, और 4 इंच का पाइप चाहिए के लिए परमाने के लिए। ये दरम्यान में जो हिस्सा था वो खराब था बिल्कुल, भी कुछ रोड स्मूथ है और ये जो रास्ता है ये आगे ये जो पाइप है ये किचन के धोने के लिए और वो अगला जो है वो करनाला है। अस्सलाम वालेकुम, ये मैं छत पे खड़ा हूँ माशाल्लाह, ये छत डाल चुका है, ये जी चचा मसूद का घर और ये पुराना घर था, तो अभी उन्होंने डिमालिश करके इसकी छत वगैरह गिर गई है और ये अभी प्लाट की शक्ल अख्तियार कर गई, यहाँ से थोड़ा सा ऊंचा है और उन्होंने वहाँ से थोड़ा सा नीचे करके दरवाज़ा रखा है। परी गया, हम पानी लगा रहे हैं, हमने उधर से लिया है पानी जो अंकल फयाज अहमद हैं उस्ताद हैं उनके घर से लिया और ये मेरा सिविल घर से होता हुआ और ये हम टैंकी फिल कर रहे हैं। कौन पता लगा नहीं पानी खुलता पता ना खोलो, मोटर बंद से करो। यहाँ से वो सामने अड्डा नजर आ रहा है, ये हमारे खाला लोगों का घर था ये सामने वाला और ये मेरे चचा लोग का घर था और ये चचा नसीब सब आ रहे हैं माशाल्लाह। ये कुफरी के पहाड़ है, हम नहाने जाया करते शरीफ हो जाते। अस्सलाम वालेकुम जी, इस टाइम मैं आया हूँ अपने उकाइंको वाली जगह पे, तो ये जो है ये कौन सी क्या काश्त की हुई है आपने अब्दुर्रहमान साहब? ये आलू है। आलू है, अच्छा अच्छा, ये आलू लगा हुआ है, वो पीछे जो है ना वो मरच लगा हुआ है। हाँ ये जो है ये मरच लगी हुई है माशाल्लाह, हमारी वो वहाँ से उस जगह से शुरू होती है और जगह और वो वहाँ तक, चलो आगे चलते हैं देख, तो ये यहाँ तक आ गए जी। जमीन जड़े ऊंचा है उसे पता लगता है कि ये इसके रेखा ये उसके, माशाल्लाह ये देखिए बड़ा खूबसूरत है, ये सूरज गुरूब होने वाला है। ये क्या काश कर रहे हैं यहाँ पे? ये आलू है। आलू, अच्छा अच्छा, ये भी आलू लगा है। अच्छा माशाल्लाह, बड़ी मेहनत होती है इसमें। कितने का बीज आ रहा है आजकल? आजकल 7,000 का बोरी आ रहा है। कितने का? 7,000। 7,000, अच्छा। तो अभी आप यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले इसको?
इसको अभी पानी लगाएंगे जिससे हम इसका जो घास मास निकलेगा उसको स्प्रे मारेंगे ताकि वो सूख जाए। उसके बाद इसको खाद लगाएंगे जब ये निकलेगा। कितना अर्सा लग जाता है इसकी काश्त? तकरीबन 2 महीने लग जाता है। 2 महीने, सही। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया।